ये है हमारे वीसीवी का मेन सप्लाई का इंडिकेशन, ब्रेकर ऑन ऑफ का इंडिकेशन, ट्रिप का इंडिकेशन, और ये है हमारा अमीटर जिसमें हमारा करंट दिखाएगा, लोड दिखाएगा। ये हमारा वोल्ट मीटर जिसमें हमारा वोल्टेज दिखाएगा। ये हमारा फेस का रिले, ये हमारी मास्टर रिले, ये हमारी वाइंडिंग की, ऑयल की और बकल की रिले। ये हमारा ट्रिप का है लीवर, ये हमारा इस पे ऑफ है, इस पे मैनुअल काम करेगा, लोकल इस पे रिमोट। ये भी ट्रिप के लिए है, ट्रिक चेक कर सकते हैं कि हमारा मोटर हेल्दी काम कर रहा है नहीं। ये हमारी इमरजेंसी पुश बटन, अगर सिस्टम में कोई भी फॉल्ट है आप इमरजेंसी मार के तो रिलीज कर सकते हो। पीछे से पीटी फिटर के बारे में बताओ पहले। नहीं पहले इसका नाम तो जान लो, वीसीवी। इधर आ जाए, यहाँ पे लेके आ जा। अरे यार मेरा फेस आना जरूरी नहीं है, तू इधर आ। ए रेटिंग है ए वीसीवी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसकी रेटिंग है 12 केवी। हमारी इनपुट है इसकी, और इसकी जो मैक्स लोड है इसका 800 एम्पियर है, ठीक है। और ये मेक है एबीबी, इधर देखो ना, एबीबी का मेक है, और असेंबल किया है एसीएटिक ने। और ये ऊपर देखो ना, ये हमारी इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई की इंडिकेशन है। ये है हमारी इनपुट सप्लाई, ये ब्रेकर ऑन का, ब्रेकर ऑफ का, अगर कोई भी हमारे रिले अगर ट्रिप होती है तो उसका इंडिकेशन दिखाया गया है, ठीक है। ये तीन रिले यहाँ पे लगी हुई है, तीनों रिले है। एक तो वाइंडिंग टेम्परेचर की रिले है, यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा वाइंडिंग का तो ये हमारी ट्रिप कर जाएगी। और एक ऑयल का हो गया, अगर ऑयल का भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये ट्रिप हो जाएगी रिले। और ये हो गया बकल का, अगर हमारा ट्रांसफार्मर में कोई भी गैसेस अगर इंटरनल बनती है तो उसके लिए होती है, ये उसको ट्रिप कर देगा, फिर हमें एयर रिलीज करनी पड़ेगी या जो भी गैसेस होंगी रिलीज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ट्रिप करके उसको चलाएंगे। और ये चीज़ है हमारी वोल्टेज बताएगी तीनों फेस की, अगर कोई भी फेस अनबैलेंस होती है या फिर पीछे फिर हमारे एच डी आर से कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई फ्यूज उड़ जाता है तो ये हमारी ट्रिप हो जाएगी, फिर हम उसको रिसेट भी यहाँ से कर सकते हैं, बट पीछे से पहले हमें इसको करेक्शन करना पड़ेगा। और एमीटर या वोल्ट मीटर है, ये हमारे रेटेड इनपुट दिखाएगी कि कितनी हमारी सप्लाई आ रही है, यहाँ पे लोड दिखा देगा, यहाँ पे वोल्टेज दिखा देगा। और कोई भी अलार्म जनरेट होगा तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया है ताकि इजीली हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ अंदर कुछ प्रॉब्लम है हमारे। और ये हमारी रेटिंग है, देख लिया आपने नीचे, ब्रेक करो ना जी। अगर ब्रेकर को चेंज कर चेक करना है आपको, ट्रिप पे कर दो, ट्रिप कर लो, ट्रिप करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर से दिखाता हूँ मैं। ये ब्रेकर उस ऑफ में दिया हुआ है, यहाँ पे हम ट्रिप कर लेंगे, ट्रिप कर देंगे, यहाँ पे भी ट्रिप कर सकते हैं हम, और यहाँ से भी ट्रिप कर सकते हैं। कैमरा यहाँ पर लाना, ट्रिप का दिखाना, ट्रिप का, ये ट्रिप दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रिप कर सकते हैं और यहाँ से भी ट्रिप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से चार्ज करेंगे, ये ऑन होगा, अभी ऑफ का इंडिकेशन है, अभी हमने इसको सप्लाई नहीं दे रखी है इसलिए हमारा सिस्टम अभी बंद है, ऑन लोड है, ऑन लोड। अभी जब हम इसको सप्लाई देंगे तो अभी इसको चार्ज करेंगे तभी चार्ज होगा, क्योंकि अभी तो हमने सप्लाई पूरी खोल रखी है इसकी। पीछे चलो, पीछे नहीं, पहले ऊपर ले। ये हमारी अंदर कंट्रोल सर्किट है, ये सारी 24 वोल्ट कंट्रोल पे है, यहाँ पे इसका 1 FMPF लगा हुआ है। ये इसकी इनपुट है, ये आउटपुट है, आप देख लो, आउटपुट है DC, इनपुट है AC हमारी 220 वोल्ट। ये सारी उसकी 50 MCB लगी हुई है, सारे कम्युनिकेशन केबल से, इधर इधर देख लो आप। ये रिले की ट्रिप के लिए हो गया,
ये हमारा मेन मीटर हो गया, सॉरी मेन रिले हो गया, ये हमारा मास्टर रिले हो गया। हाँ मास्टर रिले के बारे में थोड़ा बता देते हैं, ये है मास्टर रिले। यदि इनमें से कोई भी रिले हमारी ट्रिप होती है, कोई भी रिले अगर ट्रिप होगी तो उसके बाद मास्टर रिले पर ट्रिप हो जाती है, तो सबसे पहले हमें मेन रिले को जो भी रिले ट्रिप है उसे रिसेट करेंगे, फिर उसके बाद मास्टर रिले रिसेट करेंगे, फिर सिस्टम को हम दोबारा चालू करेंगे। अब आते हैं नीचे, ये है हैंडल इसका। यदि बाई चांस हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है पीछे इसके कॉन्टैक्ट में, या फिर इसका मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा, तो इसको हम रैक आउट करके देख सकते हैं अंदर क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे इसको हैंडल लगा के इसको रैक आउट रैक इन कर सकते हैं, हैंडल वापस हम यही रख देते हैं। अब आते हैं नीचे पीटी फिटर में, मेरा नट बोल्ट लगा हुआ यार, चलो अब आते हैं मेन इनपुट और आउटपुट पे। ये हमारी मेन इनपुट की केबल आई हुई है, ये हमारा 11000 केवी की आई हुई है। अभी हमने पीछे से जियो से गिरा रखा है, इसमें सप्लाई नहीं है, हम इजीली हाथ से टच कर सकते हैं, लेकिन बाकी अगर यदि ऑन होती है तो हम इसको हाथ से छू भी नहीं कर सकते। ये हमारी इनपुट है, ये बस बार लगी हुई है अंदर, इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट अंदर है और नीचे पीडी लगा हुआ है, और इस बार ये पीडी लगा हुआ है पीडी फिटर। जो हमारी इनपुट वोल्टेज होगी वो इसी के थ्रू हमें बाहर जो हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ था उसमें दिखाएगी, और इसके ऊपर ये सेफ्टी के लिए फ्यूज लगे हुए हैं तीन, क्योंकि तीन फेस है, तीनों के लिए अलग अलग फ्यूज भी लगे हुए हैं, तीनों के तीन पीडी है बाहर, तीनों फेस का वोल्टेज आप चेक कर सकते हो वोल्ट मीटर में। ये हमारे मेन इनपुट के लिए है, हम यहाँ पे इनपुट है यहाँ पे इसके बस बार पे यहाँ कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद बाहर से हम इसको चार्ज करेंगे, और ये है हमारी आउटपुट कनेक्शन, ये केबल लगी हुई है हमारी, अभी इसका हम कनेक्शन करेंगे हम दिखाएंगे। और आउटपुट में हमारे लगा हुआ है सिटी, सिटी है ना, ये हमारा करंट को बताएगा कि हमारे कितनी करंट इनपुट में है अभी। और यहाँ पे बैकलाइट की फिट लगी हुई है, ये हमारे पास सिटी लगी हुई है, सिटी की रेटिंग है हमारे पास देख सकते हो आप 75x5 और 100x5। मैं आपको इंडिकेटर दिखाता हूँ यहाँ पे, ये हमारे सिटी की रेटिंग है, तो तीनों फेसों के लिए तीन अलग अलग सिटी लगे हुए हैं, और ये अंदर दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारी इनपुट की केवल यहाँ पे जुड़ेगी, थोड़ा ना अंदर ये इनपुट की केबल जुड़ेगी, अंदर से कॉन्टेक्ट होगा इसका जो ब्रेकर है उसके पीछे से, उसके बाद ये कॉन्टेक्ट इसके ऊपर थ्रो इसके थ्रो होगा, अब ये आउटपुट में सप्लाई आएगी, और ये यहाँ से हमारे ट्रांसफार्मर को जा रही है, ये ट्रांसफार्मर की केबल है, अभी कनेक्शन पेंडिंग है इसका, बस सेव कर देने रोक दे। ये हमारी आउटपुट की टर्मिनल से बस बार की, और एक केबल है, एक केबल हमारी अभी ट्रांसफार्मर को जाएगी, दिखाता हूँ मैं आपको, एक केबल हमारी आ रही है, ये ट्रांसफार्मर को जा रही है, ये ट्रांसफार्मर की इनपुट बन रही है जो हमारी VCB की आउटपुट है, और हमारा ट्रांसफार्मर में 750 kV का ट्रांसफार्मर है, और यहाँ से हमारी आउटपुट लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब यहाँ से हमारे LT पैनल में जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हो हमने वायर की इन्फ्लेशन हटा दी है, टेप। अब देख रहे हो आप टेप लगा के हम उसको एक जगह जो कॉपर की प्लेटिंग है जो पतली सी लगी हुई है उसको वहाँ पे होल्ड करेंगे,
उसको होल्ड करने के बाद हम ऊपर की जो भी कॉपर की ये प्लेटिंग है उसको हटाएंगे। आप देख रहे हो ये अभी हम इसके ऊपर जो सेमीकंडक्टर लगा हुआ है कोटिंग के ऊपर उसको हटा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर से हमने पूरा सेमी कंडक्टर का इन्फ्लेशन हटा दिया है। अब हमारी केबल पूरी तरीके से फ्री हो चुकी है। अब हम उसके ऊपर ग्लैंड लगा रहे हैं जहाँ से हम अर्थिंग की केबल ज्वाइन करेंगे, जिससे कोई भी लीकेज को हम ग्राउंड करेंगे। अभी हम ये होज क्लैंप लगाने जा रहे हैं। इस होज क्लैंप से हम उसके ऊपर जो ग्लैंड की तरह एक प्लेट की तरह है उसको होल्ड करेंगे। अभी हम कॉपर से इसको प्रॉपर बांध रहे हैं ताकि हम जो भी हमारी अर्थ लीकेज हो, जो भी कोई भी लीकेज हो उसको हम यहाँ से इस अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड कर सकते हैं ताकि हमारी केबल की कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी हम पूरे केबल को स्मूथ बना रहे हैं ताकि कोई भी सेमीकंडक्टर इसके ऊपर चिपका ना हो। और बाकी अभी इसके ऊपर हम स्लीव चढ़ाएंगे तो उसके लिए भी बेनिफिट होगा कि हम केबल को पूरी तरह से साफ रखें। आप देख सकते हो कि हमने होज क्लैंप लगा दिया ग्लैंड के ऊपर और उसको हम टाइट कर रहे हैं ताकि प्रॉपर हमारी जो अर्थिंग की हमने जो स्ट्रिप लगाई है वो इधर उधर मूवमेंट ना करे, प्रॉपर अपनी पोजिशन पर फिक्स रहे। इसको पूरा टाइट करने के बाद हम आगे का काम प्रोसीड करेंगे। हमने ग्लैंड पूरी तरह से टाइट कर चुके हैं। अब इसके ऊपर कोई भी डस्ट है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है हमारी वाइंडिंग सॉरी केबल को, तो हम उसको प्रॉपर साफ करेंगे। ये किट के साथ ही फ्री में आता है, सॉरी फ्री में नहीं आता, इसके भी पैसे लगते हैं। अभी हम उसको प्रॉपर सफाई कर रहे हैं। इसकी सफाई करने के बाद इसके ऊपर हम उसका इन्फ्लेशन चढ़ाएँगे जो कि टेम्परेचर करने के बाद उसको वापस सेट करेंगे हम। ऐसा लग रहा है मुझे ये चीज़ें यूज भी तो कम होती है ना। साफ का भी ना दे रहेगा ना मेन साफ ना। अब देख लो आप केबल को हमने पूरी तरीके से साफ कर लिया है। अब हम इसके ऊपर वाटर रेजिस्टेंट टेप लगाते हैं, इसको कच्चा टेप भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ पानी रोकने के लिए यूज करते हैं। इसका काम है वाटर बिल्कुल भी मतलब इसको एटमॉस्फेयर से वाटर को रिमूव करना, हमें रिमूव नहीं करना मतलब वाटर को अंदर जाने से रोकना, इसलिए इसकी कर रहे हैं। इसके ऊपर तीन ए स्लीव दिए हुए तीनों केबल के ऊपर अलग अलग। कि आप देख रहे हो हमने पहला लेयर पूरा इन्फ्लेशन कवर कर दिया है। अब हम हॉट एयर गन से इसके लेयर को इसके इन्फ्लेशन को सेट करेंगे। इस फर्स्ट लेयर को सेट करने के बाद
फिर हम सेकंड ईयर की ओर प्रोसीड करेंगे, क्योंकि हाई टेंशन का काम है, आपको पता है 11 केवीए की सप्लाई आएगी इसमें, तो हमें इंसुलेशन का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हो प्रॉपर सेट हो चुका है पूरी तरीके से। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, अब देखो इसके ऊपर हम एक बड़ी सी इंसुलेशन किट डालने वाले हैं अभी पूरी, तो तीनों केबलों को हम सेपरेट प्रॉपर और विद वाटर रेजिस्टेंस प्रोटेक्शन अभी काम करें, क्योंकि पीछे हमने वो ऑलरेडी लगा चुका है। अब इसको भी हॉट एयर गन से हम प्रॉपर सेट कर देंगे। आप देख सकते हो कि सेकंड लेयर इंफ्लेशन भी पूरी तरह से फिट कर चुके हैं हम, और इसने अपनी प्रॉपर शेप ले चुकी है। अभी हमारा फाइनली थर्ड इंसुलेशन लेयर जो कि तीनों केबल के ऊपर लगेगा, इसको भी हम प्रॉपर पूरी तरीके से हॉट एयर गन से फिट करेंगे। काम हमारा पूरा हो गया, अब प्रोसेस होता है थिम्बल का। अब देख सकते हो ये हमारी 120 की केबल है, तो हमने इसमें 120 के केबल के लिए 120 के एलुमिनियम थिम्बल लगा रहे हैं, केबल भी एलुमिनियम की है। मैक्सिमम हम पावर सप्लाई के लिए एलुमिनियम केबल ही यूज करते हैं, क्योंकि लाइट वेट भी होता है और इसकी कॉस्ट भी हमारी कम होती है, तो हम मैक्सिमम ट्रांसमिशन में हम एलुमिनियम की केबल यूज करते हैं। ये अभी हम इंसुलेशन हटा रहे हैं इसके ऊपर से केबल से, फिर उसके बाद उसमें हम थिम्बल लगाएंगे। थिम्बल लगाने के बाद प्रॉपर क्रिम करेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक और इंसुलेशन डालेंगे, उसके बाद हम इसको सीधे ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करेंगे। अभी हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, बाकी अभी आप आगे वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसा कि आप देख रहे हो हमने केबल को छिलके इंसुलेशन हटा के थिम्बल लगा दिया, अब क्रिम कर रहे हैं। ये हमारा क्रिम्पिंग टूल है, इसे हम प्रॉपर क्रिम करेंगे थिम्बल को, उसके बाद हम उसको कनेक्शन के लिए जोड़ेंगे। 95 PA तब तक क्रिम करें, तब तक हम दूसरी साइड से देखो आप देख सकते हो इनपुट और आउटपुट की केबल जोड़ सकते हैं, जोड़ देते हैं देख रहे हो आप, ताकि हमारा काम जल्दी हो खत्म हो जाए। एक यूएसबी के इनपुट और आउटपुट पे हमने केबल जोड़ा दी है, इनकमिंग और आउटगोइंग की। इनपुट पे हमने मेन हमारी बाहर से जो XTR से आई उस केबल को जोड़ा था, उसके साथ अर्थिंग भी कर रखी है हमने, ताकि कोई भी लीकेज हो तो हमारे सिस्टम को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, रिलेट ट्रिप हो जाए या फिर वो लीकेज ग्राउंड हो जाए, हमारे सेफ्टी पॉइंट भी उससे। अब देख सकते कनेक्शन पूरा हो चुका है, फाइनली क्रिम्पिंग का प्रोसेस पूरा हो चुका था, इन्होंने इंसुलेशन भी डाल दिया है। अब देखो इंसुलेशन को फिर से हॉट एयर गन से उसको फिट कर रहे हैं, ताकि वो प्रॉपर सेट ले सके, बिल्कुल ही प्रिकॉशन लेते हुए प्रॉपर काम किया जा रहा है, ताकि हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, क्योंकि आपको पता होगा कि ये हाई टेंशन काम है तो रिस्क का काम होता है। जैसा देख सकते हो आप हमने थिम्बल लगा लिया, इन्फ्लेशन पूरा प्रॉपर कर लिया, अब वापस हमारा टाइम आ गया कि कनेक्शन करते हैं। मेन हमारा ट्रांसफार्मर को कनेक्शन किया जा रहा है, जो कि VCB के आउटपुट से केबल आई हुई है अभी, और ट्रांसफार्मर के इनपुट लगा रहे हैं हम। ये प्रॉपर गैप का ध्यान रखा जा रहा है ऊपर, क्योंकि ऊपर टर्मिनल है, नीचे तो इन्फ्लेशन है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊपर के गैप का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है।
कनेक्शन पूरा हो चुका है, अब उसको हम प्रॉपर टैपिंग करके इंसुलेट कर देंगे, क्योंकि ये ओपन है तो उसमें बारिश में प्रॉब्लम होती है, पास भी होते हैं, इसलिए प्रॉपर टैपिंग करेंगे इसकी हम। टेप की कोई कंजूसी नहीं करनी है आपको, इसको करने के लिए प्रॉपर टैपिंग करनी है, बाकी सिस्टम हमारा थोड़ा हेल्दी रहे। देख सकते हो आप ट्रांसफार्मर हमारा कनेक्शन को क्रॉस वेरीफाई कर लिया गया है, अब हमारा सिस्टम हेल्दी हो चुका है। अब फाइनली हमारा सब कुछ कनेक्शन रेडी हो चुका है, बीच भी हमारा रेडी है चलाने के लिए, ते आगे का प्रोसेस। इसका पहले ब्रेकर बंद करना पड़ेगा, फिर मैंने ऑन करना, स्प्रिंग डिस्चार्ज चाहिए। हमने इंटरलॉकिंग चेक कर ली, काम कर रहा है कहीं कर रहा है, ठीक है। ये ट्रिक्स रिपीट होगी, ये हेल्दी है, इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको धोएंगे तो जब ये पावर आएगी उसका तो ऑन होना है। वो जैलो आ रहा है ऊपर, देखना जैलो चल रहा है, नहीं नहीं जल रहा होगा वो, अपने दिख नहीं रहा है। ब्रेकर ऑन चल रहा है, इधर फेस वाला सर, इधर फेस वाला ले जाओ, फेस वाला जाओ ऊपर वाले, फेस क्या है, हेल्दी है नहीं, आरवाईबी हेल्दी का है, इंडिकेशन नहीं आएगा, इधर ये बटन सर, यही जलेगा बटन, इंडिकेटिंग बटन भी रहे इंडिया पे भी इतनी ब्रेकर ऑफ हुआ। और पहले वाला क्या क्लोज करा के धर्मेंद्र, तो पहला वाइंडिंग टेंपरेचर का कंटेक्ट शॉर्ट करना, ऑन करता एक बार, अभी रिलेट रीसेट करके देख ले। अच्छा अच्छा रीसेट ही है, एक बार कंटेक्ट रहा, ये देख ले पहले कौन सा गिरता है, ये मेरे हिसाब से पहले गिरेगा 45 वाली 47 46 सेंटर वाला वाइंडिंग से, ये बीच वाला गिरेगा। दोबारा चार्ज तो करना पड़ेगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक्स।